अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीब की एडिटिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में एजुकेशनल सॉल्यूशन ऑनलाइन का लोगो बना के दिखाऊंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने गेम को ओपन कर लेना है। गेम को ओपन करने के बाद आपने न्यू इमेज क्रिएट करनी है। इसके बाद आपने न्यू लेयर बनानी है और रेक्टेंगल टूल को राउंडर कॉर्नर पे क्लिक करके आपने इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लेना है। इसके कोनों को सर्कुलर बना लिया है। अब इसमें कलर फिल करेंगे। एक्सपेंडेड फ्रॉम सेंटर, इससे आप जब भी मूव करेंगे तो एक सेंटर से मूव होगी। इस तरह से आपने इसको सेंटर में मूव करके कट कर देंगे। अब आपने इसी टूल की मदद से, यानी रेक्टेंगल टूल की मदद से, राइट साइड वाले हिस्से को कट करके पेस्ट कर देंगे, यानी एक न्यू लेयर बना लेंगे। इसको नीचे की तरफ, उसके नीचे की तरफ मूव करेंगे, यानी आपने एस बना लेना है या एस बन चुका है। इसके बाद आपने टेक्स्ट टूल की मदद से आपने ई टाइप करना है। इसके बराबर आपने इसका साइज एस के साइज के बराबर कर लेना है। रेक्टेंगल टूल की मदद से आपने यहाँ से इसको कट कर लेना है। इसी तरह नीचे से भी, यहाँ से भी कट कर देंगे। अब आपने इस टूल की मदद से इसको किनारों से इस तरह काट देंगे। इसको भी इसी तरह से काट देंगे। ये डिज़ाइन बन गया है। अब रेक्टेंगल टूल की मदद से इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसमें कलर फिल कर लेंगे। अब इसके बाद आपने न्यू लेयर बनानी है। एक छोटा सा सर्कल बनाना है, इसमें कलर फिल कर लेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे सर्कल का। इसको कट कर देंगे। अब इसके अंदर हम एक छोटा सा माउस बनाएंगे। इस तरह आपने एक छोटा सा माउस बना लेना है।
अब इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। कट करके पेस्ट करेंगे इसको। इसके अंदर अब इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे बिल्कुल इसी तरह। पाथ टूल की मदद से लाइन लगाकर आपने इसको स्ट्रोक पाथ करना है। ये एक लाइन बन गई है। अब इसके साथ ही सर्कल को थोड़ा सा यहाँ से काट देंगे। न्यू लेयर बना के हम एक सर्कल बनाएंगे इसके ऊपर इस तरह सा। इसमें कलर फिल करके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेंगे, कट करेंगे। इसका नीचे वाली साइड इसकी कट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे न्यू लेयर बना के। इसको रोटेट करेंगे। अब हम इस लोगो का नेम लिखेंगे एजुकेशनल सॉल्यूशन ऑनलाइन। इसका नेम लिख लिया। अब इसमें ये हमारा एक लोगो मुकम्मल बन चुका है। अब इनमें कलर फिल करेंगे। हमने कलर फिल कर लिया। अब इन तमाम लेयर्स को इकट्ठा कर लेंगे, मर्ज डाउन करेंगे। तमाम लेयर्स को मर्ज डाउन कर लिया है। अब फिल्टर में जाकर ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, इसका शेडो क्रिएट करेंगे।
आप इसका बैकग्राउंड लगाएंगे। अब आपने एक ओवरले पेपर को यूज़ करना है। नीचे वाले लेयर को अल्फा टू सिलेक्शन करेंगे, ऊपर वाले लेयर को इन्वर्ट करके कट कर देंगे और नॉर्मल की जगह ओवरले कर लेना है इसको। इस लेयर को मर्ज डाउन कर लेंगे। ये हमारा लोगो मुकम्मल बन चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।